हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं प्रियंका जैन और आप देख रहे हैं वीडियोस ऑफ लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स इन हिंदी। आप लोग देख रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की वीडियोस हिंदी में। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, एक्सट्रैक्शन पढ़ा लैंथेनाइट्स का, लैंथेनाइट्स के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पढ़ा। अभी हम जो आते हैं दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लैंथेनाइट्स। क्योंकि जब भी लैंथेनाइट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही केयरफुली देखिए वीडियो और समझने की कोशिश करिए किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइट्स, देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जब भी हम पढ़ते हैं हमें पता है दो टाइप की चीजें होती है। एक होता है पैरामैग्नेटिज्म, ओके, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है डायामैग्नेटिज्म। हम पढ़ते आ रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के केस में भी हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी वहां भी। आपने अगर वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं ट्रांजिशन मेटल के वीडियोज, वहां पर मैंने आपको मैग्नेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्वेंच होता है, कहाँ क्वेंच नहीं होता है, ये सब चीजें डिटेल में बताइए। ठीक है, तो देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्चुअली में दो टाइप की हो सकती है, डायामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म में क्या होता है, जब भी हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप होते हैं, इस स्टाइल में पेयर्ड अप है इलेक्ट्रॉन्स, तो एक्चुअली में क्या होता है, आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, से रिपेल होते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डायामैग्नेटिज्म। ठीक है, लेकिन जब कभी यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और ये हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं और इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। तो पैरामैग्नेटिज्म तभी देखने को मिलेगी जबकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, और जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट हैं तो जो कंपाउंड है वो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। तो लैंथेनाइट्स के केस में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक, ज्यादातर एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक है, बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। हम बात किसकी कर रहे हैं, लैंथेनाइट्स प्लस थ्री की केस की। ठीक है, तो एक जो आपका एलिमेंट है एलए प्लस थ्री, ठीक है, लैंथेनम प्लस थ्री, और एक एलिमेंट आपका है एलयू प्लस थ्री। इन दोनों का केस आप देखिए जरा, एलए प्लस थ्री में आपको इलेक्ट्रॉन्स कहाँ दिख रहे हैं, 4f0, 5d0, 6s0, क्या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो कैसा होगा कंपाउंड, डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा कंपाउंड आप देखिए एलयू प्लस थ्री, यहाँ पर क्या है, 4f14, 5d0, 6s0। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जो 4f शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं यहाँ पर, पेयर्ड हैं, और 5d में जीरो है, 6s में भी जीरो है। ठीक है, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स भी आपका कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जितने भी आपके लैंथेनाइड्स हैं वो सभी कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, अब भी देखिए लैंथेनाइट्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, आपको पता है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन एंड स्पिन कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक फील्ड, मैंने आपको ट्रांजिशन मेटल्स में बताया था। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक हिंट देती हूँ, देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है न्यूक्लियस के चारों ओर एक ऑर्बिटल में, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर इस ऑर्बिटल में ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, इसकी वजह से इसमें क्या होता है, ऑर्बिटल मोमेंटम होता है। ठीक है, जब भी कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल किसी भी चीज के चारों ओर इस तरीके से मूवमेंट करेगा, एक सर्कुलर मूवमेंट करता है, तो उसकी वजह से एक मोमेंटम जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोमेंटम। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली में क्या कर रहा है, वो अपनी एक्सिस पर भी खुद ही मूव कर रहा है, जैसे अर्थ को आपने देखा वो अपनी एक्सिस पर खुद ही मूव करती है इस टाइप से, इसी तरीके से इसका मूवमेंट हो रहा है ऐसे। ठीक है, ये मूव कर रहा है, तो इस मूवमेंट के कारण ये क्या जनरेट होता है,
स्पिन मोमेंटम जनरेट होता है। तो यहाँ पर दो तरीके के मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हुए इसके मूवमेंट के कारण, कैसे? ऑर्बिटल मोमेंटम और स्पिन मोमेंटम। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है या मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो एक्चुअली में इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब जब आपने ट्रांजिशन मेटल्स पढ़े थे तो मैंने आपको क्या बताया था कि वहां पर ऑर्बिटल मोमेंटम क्वेंच्ड हो जाता है। क्यों क्वेंच्ड हो जाता है? क्योंकि जो हमारे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स थे वो बाहरी वातावरण के संपर्क में थे, ठीक है। यहाँ पर लिगेंड्स प्रेजेंट थे, ये लिगेंड्स के कॉन्टेक्ट में थे, तो ऑर्बिटल मोमेंटम क्या हो रहा था वहां पर? क्वेंच्ड हो रहा था। तो हम क्या ले रहे थे? सिर्फ स्पिन ओनली वैल्यू ले रहे थे। स्पिन ओनली वैल्यू ली थी हमने सिर्फ किसके केस में? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में, ठीक है। तो डी ब्लॉक के जब भी आपने एलिमेंट्स पढ़े वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू इफेक्टिव किसके केस में? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के केस में जो था वो जनरल में आपने किसके द्वारा दिया था? अंडर रूट 4s s+1 स्पिन ओनली वैल्यू के द्वारा दिया था। यह हमने क्या कहा था? अंडर रूट n n+2। ये वैल्यू किसके लिए थी? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। इसमें थोड़ा संशोधन भी किया था हमने, देखा था कॉन्ट्रीब्यूशन भी हो रहा था, वो अलग चीज है, पर जनरल वे में हमको यही फॉर्मूला देखने को मिला था स्पिन ओनली वैल्यू। लेकिन ये डी ब्लॉक किस केस में थी? सिर्फ फर्स्ट सीरीज में थी, ठीक है। ऐसा किसमें हो रहा था? सिर्फ फर्स्ट सीरीज में हो रहा था, बाकी की सीरीज में ऐसा नहीं हो रहा था। अगर हम सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज देखते हैं तो एक्चुअली में सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के केस में ऐसा नहीं होता है। वहां पर आपको ऑर्बिटल मोमेंटम और स्पिन मोमेंटम दोनों देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो वैल्यू दी जाती है वो स्पिन और ऑर्बिटल दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन से दी जाती है। सेम हैपेंस इन द केस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में भी सेम होता है। एक्चुअली में एक तो इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, हमारे जो एफ ऑर्बिटल्स हैं वो अभी तक मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही अंदर आराम कर रहे हैं, ठीक है, आराम से बैठे हुए हैं। ये न्यूक्लियस है, देखिए ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के पास यहाँ आ गई, डीपली एम्बेडेड है, दीज आर डीपली एम्बेडेड हियर, ओके। अब इनको बाहरी एटमॉस्फेयर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बाहर के वातावरण में कौन सा लिगेंड प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, क्या नहीं प्रेजेंट है, इससे इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। दीज आर डीपली एम्बेडेड इनसाइड द एटम। सो क्या हो रहा है? दीज आर वेल शील्डेड, ये वेल शील्डेड है, तो इसलिए इनका ऑर्बिटल मोमेंटम एक्चुअली में क्वेंच्ड नहीं हुआ है। तो जब भी आप एफ ब्लॉक के लिए म्यू इफेक्टिव की बात करेंगे, किसके लिए? एफ ब्लॉक के लिए, तो वहां पर आप दोनों वैल्यूज को लेंगे एस प्लस एल, म्यू एस का भी लेंगे म्यू एल का भी लेंगे, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, एस और एल के कॉम्बिनेशन से एक न्यू काउंटर नंबर जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड जे। इस जे को हम क्या कहते हैं? टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो इनके कॉम्बिनेशन से हमें जे मिला। अब जे की वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे? मैग्नेटिक मूवमेंट। देखिए जे की वैल्यू हम दे रहे हैं किसके द्वारा? या तो दे रहे हैं एल माइनस एस, जब हमारा शेल कैसा है, व्हेन शेल इज लेस देन हाफ फिल्ड। जब भी आपका शेल हाफ फिल्ड से कम है तो आप जे की वैल्यू किससे देंगे? एल माइनस एस से देंगे, ठीक है। और अगर आपका शेल जो है वो हाफ फिल्ड से ज्यादा है तो आप क्या करेंगे? एल प्लस एल, व्हेन शेल इज मोर देन हाफ फिल्ड। जब भी आपका शेल हाफ फिल्ड से ज्यादा भरा हुआ है तो आप जे की वैल्यू किसके द्वारा देंगे? एल प्लस एस के द्वारा देंगे, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला यहाँ पर क्या आता है? आपका फॉर्मूला आता है म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू म्यू जे इज इक्वल टू जी अंडर रूट जे जे प्लस वन। अब यहाँ पर एक नई टर्म आपको देखने को मिल गई, जी। ये क्या है? जी इज कॉल्ड द लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर। इस जी को हम क्या बोलते हैं? लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर, ठीक है। जब आपने एनएमआर पढ़ा था तो मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया है, ठीक है। एनएमआर के लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्पेशली एनएमआर की मेरे वीडियोस में, ठीक है, आप वो पूरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। चलिए अभी जी की वैल्यू मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ क्या होती है। वन प्लस जे जे प्लस वन प्लस एस एस प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन अपॉन टू जे जे प्लस वन, ठीक है। ये होती है आपकी जी की वैल्यू। काफी लंबा कैलकुलेशन हो जाता है यहाँ पर, तो जब आपको निकालने को मिलता है, ऐसा क्वेश्चन पेपर से पूछा जा चुका है, ठीक है, आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने को आ जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट का,
ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है वहां पर, आपको पहले एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उससे फिर आप ये जे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जब जे की वैल्यू आप जानते हैं तो आप जी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर इस फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे वैल्यूज और आपको म्यू इफेक्टिव मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देती हूँ यहाँ पर। देखिए, मान लीजिए आपको Pr+3 प्रेशियोडिमियम, इसका आपको निकालना है मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, इसका सबसे पहले देखिए कॉन्फिगुरेशन क्या होता है, 4F2 6S0। ठीक है, ये होता है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले इस टाइप से एक बना के देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ओके, वैल्यूज कितनी होती है एल की, +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3, यही होती है ना। अभी यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1 एंड 2, इस टाइप से होंगे। तो अब आपको देखिए एल की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर +3 +2 कितनी हो गई, +5। ठीक है, और एस की वैल्यू आपकी क्या आएगी, देखिए ये भी प्लस हाफ है, ये भी प्लस हाफ है, +1/2 + +1 = 1। ठीक है, आप 2s+1 भी आप निकाल कर देख सकते हो, 2s+1 की वैल्यू कितनी आती है, 3। ठीक है, चलिए अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, जे की वैल्यू की जरूरत है। जे कितना आएगा, देखिए आपका शेल लेस देन हाफ फिल्ड है, तो आप क्या लगाएंगे, एल माइनस एस, यानी 5 - 1 = 4। ठीक है, अभी आपको मिल गई है एस की वैल्यू, एल की वैल्यू और जे की वैल्यू। अब आप जे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी आएगी, 1 + 4 + 4 + 1 + 1 + 1 - 5 - 5 + 1 डिवाइड बाय 2 × 4 + 1। ठीक है, तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है, 4/5, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं निकला है अभी, अभी आपकी जी की वैल्यू निकली है। अब आपको क्या करना है, म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो म्यू की वैल्यू निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, जी, फिर क्या करेंगे, √j j+1। ठीक है, तो वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, 4/5 √4 + 1। ठीक है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 4/5 √20। तो ये वैल्यू आपकी आएगी ऑलमोस्ट 3.58 PM। ये होगा आपका मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेशियोडिमियम +3 का। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी आयन का, किसी भी एफ लॉग एलिमेंट का यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात, जब भी आपका लैंथेनाइड्स का शेल एम्प्टी होगा, हाफ फिल्ड होगा, या फिर कंप्लीटली फिल्ड होगा, जैसे कि Al+3 में आप किसका केस ले रहे हैं, Al+3। ठीक है, ये क्या है, 4F0, या फिर आप ले रहे हो Gd+3 का केस, ये क्या है, 4F7, या फिर आप ले रहे हो Lu+3 का केस, ये क्या है, 4F14। इन केसेस में आप निकाल कर देख सकते हो, जब भी आप निकालने चलोगे तो आपका एक्चुअली में L की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, इसलिए इनके केस में म्यू इफेक्टिव की वैल्यू किसके बराबर होगी, L तो 0 है, तो इसलिए इसकी वैल्यू आएगी म्यू स्पिन ओनली के बराबर। तो इसको हम किसे देंगे, √4 S+1। ठीक है, तो इन तीन केसेस में आपको याद रखना है, म्यू इफेक्टिव जो होता है वो म्यू स्पिन ओनली के बराबर होता है। ठीक है, अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, क्या है वो, देखिए एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, या इस टाइप से क्वेश्चन आता है आपका, क्या क्वेश्चन है, फॉर मोस्ट ऑफ द लैंथेनाइड एलिमेंट्स देयर इज एन एक्सीलेंट एग्रीमेंट बिटवीन कैलकुलेटेड वैल्यूज एंड द एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एट 300 केल्विन। ज्यादातर लैंथेनाइड्स के लिए जो कैलकुलेटेड वैल्यू है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट में अच्छा खासा एग्रीमेंट होता है, लेकिन दिस डज नॉट होल्ड गुड फॉर Eu+3 एंड Sm+3। Sm+3 और Eu+3 के केस में ऐसा नहीं पाया जाता है, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है एक्चुअली इन दोनों में फर्क है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इस पर आपको जब भी लैंथेनाइड्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पर क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, इसलिए इस चीज को आप ध्यान से पढ़िए, क्या कह सकते हैं, गांठ बांध लीजिए। ठीक है, अच्छे से देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको, बस स्टेटमेंट देखना है।
तो एक्चुअली में इनके केस में आपको SM+3 या EU+3 का केस जब आप लेते हैं तो इन दोनों केसेस में देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल एंड द कैलकुलेटेड वैल्यूज. एक्चुअली में क्या हो रहा है, इन दोनों केसेस में जो स्प्रिन ऑर्बिटल कपलिंग कॉन्स्टेंट है क्या जे, इसकी वैल्यू एक्चुअली में बहुत कम है, 300 cm inverse 1 की रेंज में है. ठीक है, ये वैल्यू बहुत कम होती है एक्चुअली में. तो ये जो लेवल्स है ना एक्चुअली में बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, इस तरीके से क्लोजली स्पेस्ड होते हैं. ठीक है, ये जो जे के वैल्यूज वाले हैं J1 J2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है. और एक्चुअली में आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ जो एनर्जी होती है ना थर्मल मोशंस की, दैट इज इक्वल टू KT के बराबर जो एनर्जी होती है, थर्मल मोशंस की एनर्जी होती है, यानी कि आपने रूम टेम्परेचर पर ही सिर्फ मॉलिक्यूल को रखा हुआ है और उसमें से जो थर्मल वाइब्रेशंस मिल रहे हैं उसकी वजह से सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं फर्स्ट लेवल से सेकेंड लेवल में, ग्राउंड स्टेट से किसमें, एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं. यानी जो यहाँ इलेक्ट्रॉन था ये एक्चुअली में जंप करके कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया. ठीक है, तो जब आप देखने चलते हो आप क्या देखना चाह रहे हो, ग्राउंड स्टेट में मैग्नेटिक मूवमेंट. लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है, जब आप रूम टेम्परेचर पर ही लोगे मॉलिक्यूल तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुके होंगे. देखिए ये दोनों स्टेट्स हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर गए, जंप कर गए और यहाँ पर पहुंच गए. तो जब आपने स्टेट देखी तो एक्चुअली में क्या हुआ, यहाँ तो एक दो रह गए और यहाँ पर बहुत सारे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स थे. ठीक है, ये हुआ केस यहाँ पर. तो क्या हो गया, जो आपकी ग्राउंड स्टेट थी वो लेस पॉपुलेटेड हो गई और जो आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो ज्यादा पॉपुलेटेड हो गई. तो आपने तो निकाला मैग्नेटिक मूवमेंट ग्राउंड स्टेट के लिए, लेकिन वो निकल के किसके लिए आया, एक्साइटेड स्टेट के, यानी कि हायर जी वैल्यूज के लिए निकल कर आया. ठीक है, तो इसलिए एक्चुअल मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो हायर होता है एज कम्पेयर टू कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट. जो मैग्नेटिक मूवमेंट हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं एक्चुअल, दैट इज हायर देन द न्यू कैलकुलेटेड. तो इसके लिए आपको इसको अवॉइड करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली में इसके लिए आपको मॉलिक्यूल्स को लो टेम्परेचर पर लेकर उसका लो टेम्परेचर पर मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी आप एक्चुअल स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो बस इतना सा ही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है. अगर आपने इसको देख लिया ध्यान से तो आपका ये क्वेश्चन इजीली हो जाता है कवर. ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2-3 क्वेश्चंस मैग्नेटिक मूवमेंट पर मैंने आपको बता दिए, 2-3 टाइप के क्वेश्चंस या तो आपसे पूछा जाएगा कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा जा सकता है, वो मैंने आपको निकालना बता दिया है, या फिर आपसे इस एस्क्रिप्शन के बारे में पूछा जाता है. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर करिए, शेयर कीजिए वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ, कमेंट कीजिए मुझे. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज के साथ. टिल देन बाय बाय.